अभी हम डिफेंस एक्सपो में घूम रहे हैं और इसका आयोजन इस बार पुणे में हुआ है। यहाँ से जब गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी एक खास स्टॉल पर। जिस कंपनी का स्टॉल है वो दावा करते हैं कि वो फ्यूज़ बनाते हैं। ये फ्यूज़ बनाते हैं बॉम्ब से लेकर मिसाइलों तक की, और इन्होंने कहा भी कि अगर बॉम्ब के लिए फ्यूज़ हम बनाएंगे नहीं तो बॉम्ब फटेगा नहीं, मिसाइलों के लिए अगर हम फ्यूज़ बनाएंगे नहीं तो मिसाइल किसी काम की नहीं है। और ये कंपनी है जिसका नाम है संदीप मेटल क्राफ्ट, और हमारे साथ अविनाश देशपांडे हैं, हमारे साथ एसके साहू जी हैं। आप दोनों फ्यूज़ बनाते हैं, कौन कौन सा फ्यूज़ बनाते हैं? हम लोग जो फ्यूज़ बनाते हैं 23 mm सिलिका से लेकर 155 mm तक का हम लोग बनाते हैं, और ये हम लोग देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उनके जो यूनिट्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। एम्प्टी रहता है ये, उसका उन लोग फिलिंग करके और डायरेक्ट आर्मी इसको सप्लाई करते हैं, आर्मी एयरफोर्स और नेवल को सप्लाई करते हैं। एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे हम जितने स्टॉल्स पर घूम रहे हैं सब बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, आप लोग फ्यूज़ बनाने के क्षेत्र में कैसे आ गए? नहीं, वो क्या है, ये रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी की, इंडियन डिफेंस की, मिलिट्री की, सबकी है, तो हम लोग वही बनाते हैं जो देश के काम आ जाए, बाकी चीज़ तो बाकी सभी लोग बनाते ही हैं। यस, अच्छा फ्यूज़ और छोटी छोटी चीज़ों की बात करें, वो अक्सर भारत बाहर से लेता है, छोटी चीज़ें ज़्यादातर हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और ख़ासकर डिफेंस के क्षेत्र की बात करें तो फ्यूज़ कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें? फ्यूज़ का ही मेन रोल रहता है, कोई भी एमिनेशन जब फंक्शन करता है वो फ्यूज़ पे ही निर्भर करता है, और फ्यूज़ के द्वारा ही एक्सप्लोशन जो होता है वो फ्यूज़ की वजह से होता है, और फ्यूज़ में जो है वैरायटी जो है हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाते हैं। आपसे ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं बनाता? कोई नहीं बनाता है, 100% ऑर्डर फैक्ट्री तक नहीं बनाती, हम लोग खुद बनाते हैं सबसे ज़्यादा वैरायटी हम लोग। तो क्या आपके अलावा कोई फ्यूज़ बना नहीं सकता या बनाता नहीं है? दूसरे ही बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा है, हमारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है, इसलिए हम लोग, और हम लोग इसमें 1989 से हैं जी। अच्छा मुझे एक बताइए कि फ्यूज़ का जो बाजार है भारत में कितने का है, क्या सेल है, क्या कुछ? करीबन फ्यूज़ का देखा गया है तो बाजार तो 500 करोड़ के ऊपर का है जी, 500 करोड़ के ऊपर। और आप इस बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी? इस बाजार के हम लोग सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और आपके सामने कौन सी बड़ी कंपनी जो कॉम्पिटिटर है? बहुत से हैं जो दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, हैदराबाद में। आपको कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा है? ऐसा फ्यूज़ बताइए जिसका आपने हाल ही में जिसको आपने बनाया हो, तो तेजस में इस्तेमाल हो रहा हो या फिर किसी और मिसाइल में इस्तेमाल हो रहा हो? अभी जो हम लोग ने ये किया है वो RGB-60 फ्यूज़ YDB-60 बनाया, RGB रॉकेट के लिए जो नेवल एप्लीकेशन में होता है, जो पहले रशिया से इम्पोर्ट होता था, अभी हम लोग ने उसको इंडिजनाइजेशन किया है, वो फ्यूज़ जो अभी लेटेस्ट में हमने डेवलप किया है। आप हाँ, ये जो फ्यूज़ है YDB-60, ये इंडिया में हम लोग फर्स्ट टाइम डेवलप किए हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में डेवलप किए हैं। ये इतना क्रिटिकल है कि इसमें 176 कंपोनेंट्स हैं, और इसका शिप में ट्रायल किया है, इसका डायनेमिक ट्रायल किया है शिप पे, और ये हीट करता है सबमरीन को ये अप टू 1000 फीट डेप्थ तक रॉकेट से फायर होता है, और है यस यस सर, ये बहुत अच्छा फ्यूज़ है और ये सक्सेस भी है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लोग डेवलप किए हैं, और ये रशिया का है, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत पैसा बच गया है। यस, तो आपने सुना किस तरीके से भारत में छोटी छोटी चीज़ें, खासकर जब फ्यूज़ की बात करते हैं, वहाँ भी भारत में ऐसी कंपनियाँ हैं जो फ्यूज़ जो है खुद बनाती हैं, वो दूसरे देशों से नहीं खरीद रही हैं, और ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस मार्केट में एक बड़े प्लेयर के तौर पर हैं। आमतौर पर अगर हम देखें तो फ्यूज़ बहुत छोटा सा शब्द है, लोग कहते हैं कि फ्यूज़ नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन अगर ये फ्यूज़ ना हो तो मिसाइल नहीं फटेगी और वो बॉम्ब भी नहीं फटेगा। मिसाइल का ये हार्ट है, अगर हार्ट नहीं रहा जैसे आदमी काम नहीं कर सकता, वैसा ही है, अगर फ्यूज़ नहीं रहा तो मिसाइल या कोई से रॉकेट कुछ काम नहीं कर सकता है। तो ये वो कंपनी है जो बना रही है ये सब कुछ, और ये सब कुछ स्वदेशी तरीके से बना रही है, बाहर से तो नहीं मंगाते आप लोग, यही बनता है ये सब कुछ, यही बनता है, और यहाँ बनने वाली जो हर एक चीज़ है वो स्वदेशी है।